and good morning, my dear student. How are you all? Hope you all are good in health. Today I have started making online videos for class 4th math subject addition and subtraction lecture 4 word problem. So let us start it. बच्चों इससे पहले हम लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व आउट किए थे, तो अब हम आगे भी और 3-4 वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे. सो यहाँ बच्चों बोल रहा है, ए मैन बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹7,63,498. A building was constructed on it for ₹6,97,564. Find the total cost. एक आदमी ने एक प्लॉट खरीदा, एक ज़मीन खरीदी 7,63,498 में, और इस पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाया, तो उसका जो खर्चा है वो आया 6,97,564. आपको ये बताना है कि खरीदने के दौरान और बनाने के दौरान जो भी उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ, जो भी खर्च हुआ है, वो आपको टोटल करके दिखाना है. वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए मैन बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड. तो हाउ मच, 7,63,498. एंड द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड, जो बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा हुआ है रुपया, वो है 6,97,564. अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे. इसको टोटल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14,61,062. तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है. कैरी वाला ऐड आपको मैंने कितनी बार भी मतलब बताया है कि कैरी वाला ऐड आपको सही से करना है, ठीक है. तो इस तरह से जब आप ऐड कीजिएगा तो इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की. यहाँ पे आपको बोल रहा है, फोर रोल्स ऑफ वायर मेजर 15,277 meters, 38,914 meters, 43,521 meters एंड 19,394 meters रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे चार रोल हैं जिसका मेजरमेंट जो वो मीटर्स में दिया हुआ है. आपको करना ये है कि ये चारों रोल का जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ फोर रोल्स दिया हुआ है, उसको आप नोट डाउन कीजिए यहाँ पर, ठीक है. आप उसको नोट डाउन कीजिए यहाँ पर, जैसे कि एक रोल का प्राइस दिया हुआ है 15,277, दूसरा है 38,914 meters, उसके बाद 43 है 521 meters, और उसके बाद है 19,394 meters. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. जब हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ वाई इन द फोर रोल्स. ओके, तो ये इस तरह से बनेगा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की. यहाँ पे भी ये भी सिंपल सा है, इसमें आपको दिखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी है, ठीक है. बस सिर्फ ध्यान से आप इसको समझिए. यहाँ पे बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड अ बुक फेयर ऑन मंडे, यानी कि एक किताब का जो मेला लगा हुआ था वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, ठीक है. मंडे जाते हैं, ट्यूसडे जाते हैं, वेडनेसडे जाते हैं, थर्सडे जाते हैं. तो मंडे को जाते हैं 456,789. उसके बाद ट्यूसडे को जाते हैं 7,89,654. उसके बाद वेडनेसडे को जाते हैं लोग 3,24,561, और थर्सडे के दिन जाते हैं 3,56,789, ठीक है. आपको बताना ये है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द बुक फेयर इन 4 days, चार दिनों के दौरान जो भी लोग इस मेले में गए हैं वो कितने गए हैं, नंबर ऑफ पर्सन, वो आपको क्या करना है, ऐड करके बताना है. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड अ बुक फेयर ऑन मंडे, तो मंडे के दिन कितना है, तो
456,789 है। ट्यूसडे को कितना है, यहाँ पे भी हम वो जितना चीज़ यहाँ पे मैंने अभी बताया है वही चीज़ आपको सेम यहाँ पे लिखना है। ट्यूसडे के दिन है 789,654, वेडनेसडे के दिन है आपको 324,561 एंड थर्सडे के दिन है 356,781। एंड देन इसको क्या करना है, हमको अच्छे से ऐड करना है क्योंकि ये भी कैरी वाला आपका ऐड है। कैरी वाला ऐड आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आपका जो क्लास फोर है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इतना 19,27,793। सो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द बुक फेयर इन 4 डेज। तो ये था टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो 4 दिन के अंदर गए थे किताबी मेले में। ओके बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 56,531 एंड 64,378 फ्रॉम 75,35,671। यानी कि आपको करना ये है, सब्सट्रैक्ट, आप समझ रहे हैं, द सम ऑफ यानी कि जोड़, इन दोनों का जोड़ जो आएगा उससे हमको क्या करना है, इतना से फिर हमको माइनस करना है। तो इन दोनों का सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है बच्चों जो, सम मीन्स क्या होता है बच्चों, सम मीन्स होता है आपको जोड़। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर्स को और इस नंबर को यानी कि 56,531 को और 64,378 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा इतना नंबर आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फ्रॉम यानी कि इस नंबर से, इस बड़े वाले नंबर से हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 74,14,762। ओके सो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का एडिशन वाला हिस्सा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी मैंने अपने से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा सकूं एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। सो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।